पैंसठ सौ इकसठ, न्याय पंचायत 670, ब्लॉक 95, ग्राम पंचायत 7227, नगर पालिका परिषद 32, 29 में चुनाव हुए और गांव 16826, ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए मेन मेन क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा सीट 5, खूब आता है, बार बार पूछा जाता है। राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा का 5, राज्यसभा का 3, खूब आता है, ध्यान रहिए। विधानमंडल एक एक सदनात्मक, सिर्फ विधानसभा है। 70 से 70+1 सीट, एक सीट जो है एंग्लो इंडियन से, टोटल 71 सीट हुआ विधानसभा की सीट। राज पशु कस्तूरी मृग, राज पक्षी मोनाल, हिमाचल और नेपाल का भी यही है। और आगे बढ़िए, राज्य वृक्ष बुरांस, नेपाल का भी है। आ जाता है किस देश का राज वृक्ष, वही है बुरांस। राजपुष्प ब्रह्म कमल। वर्तमान राज्यपाल, देखिए हाँ, ये वर्तमान राज्यपाल उस समय जब मैंने नोट्स बनाया था, अजीज कुरैसी थे, विजय बोगुना थे मुख्यमंत्री, अब और उसके बाद के पॉल और त्रिवेंद्र रावत, त्रिवेंद्र रावत भी बदल गए। अब आप हमें ये बताएंगे वर्तमान राज्यपाल कौन है और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। लोक सेवा आयोग हरिद्वार, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कॉलेज रुड़की में है, इसको आप करेंगे। प्रथम समाचार पत्र बहुत बेहतरीन, अल्मोड़ा अखबार 1871। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया महारानी गुलेरिया ने। और दीक्षित आयोग स्थायी राजधानी गठित करने के लिए बनी गई थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़, उत्तराखंड के हवाई अड्डे पर एक नज़र डाल दिया जाए, पंतनगर, जॉली ग्रांट, नैनी सैनी या नैना सैनी, गोचर, चिन्यालीस और बाजपुर। अब आपको ये याद रखना है कि जॉली ग्रांट किस डिस्ट्रिक्ट में है, पंतनगर किस डिस्ट्रिक्ट में है, नैना सैनी, तो आप बताएंगे नैना सैनी किस डिस्ट्रिक्ट में हवाई अड्डे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का स्ट्रक्चर आप समझिए, ये 2012 की बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के संदर्भ में आप बताएंगे, कुल सीट 70 है जिसमें एक मनोनीत होते हैं। अब आज आप हमें ये बताएंगे, पता करिए, कोशिश करिए कि आज बताइए कि आखिर उत्तराखंड विधानसभा में, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें कांग्रेस की है और कितनी बीजेपी की है, ये बताइए। कांग्रेस की कितनी सीट है और भारतीय यानी भाजपा की कितनी सीट है, और मुख्यमंत्री कौन है, विपक्ष का नेता कौन है। आ गया ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जिले, देखिए कुमाऊं में 6 जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। आपको पता है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसको आपको मेंशन करना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उत्तराखंड के राजकीय सड़क परिवहन निगम क्षेत्र देहरादून कुमाऊं। आकाशवाणी केंद्र 2 है, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। दैनिक समाचार पत्र आमतौर पर अमर उजाला, द हिमालयन टाइम, जागरण। मासिक पत्रिका छवि, निर्माण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो आप याद रखिए। मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, बंगाली और दूसरी महत्वपूर्ण भाषा उत्तराखंड की राजकीय भाषा संस्कृत हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उत्तराखंड में दूसरी भाषा बोली जाने वाली उर्दू है। प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। प्रमुख लोकगीत वीरा, ढोला, चैती, कजरी, रसिया, अरहा, भरती, पूरन भगत, लोड़की, भगुआ। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, चना, जौ, मक्का, बाजरा। नकदी फसलें गन्ना, चाय, कपास, तिल, सरसों, ये मतलब कॉमन है पूरे भारत में। प्रमुख फसल आम, अमरूद, माल्टा, नींबू, जामुन, संतरा, लीची,
लीची आपको पता है देहरादून की बहुत मशहूर है, वर्ल्ड फेमस। आगे आइए, भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और 5 में सम्मिलित है, अति संवेदनशील। ये बहुत महत्व, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम, तो आप बताइए, लोकरतन गुमानी पंत, गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुना, चारण शिवप्रसाद डबराल, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडूनी, उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, चिपको वुमैन गौरा देवी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का चाणक हर्षदेव जोशी, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई जिया रानी, तीलू रौतेली भी कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर या काली कुमाऊं का बेताज बादशाह हर्षदेव ओली। अब ये है, इसको आपको रटना है और ये बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, सबको रट जाइए। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, और चयनित हुए थे इलेक्टेड नारायण दत्त तिवारी। प्रथम राज्यपाल महिला मार्गरेट अलवा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत और गोविंद सिंह कुजवाल बाद में चुने गए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई, द्वितीय मुख्य न्यायाधीश रोश होमी कापाड़िया, चतुर्थ मुख्य न्यायाधीश बारिन घो। ये है, आइए, राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष दिवाकर देव, प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह, प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांसरन, द्वितीय पुलिस प्रेम दत्त रतूरी, प्रथम लोक आयोग सैयद हैदर अब्बास रजा, उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जी सी एस रावत, प्रथम महाधिवक्ता आर पी नैथानी, प्रथम शिक्षा सचिव एन रविशंकर। अब इसको जब आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस सुनते रहेंगे, तो सब याद हो जाएगा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तृतीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, चतुर्थ भुवन खंडूरी। इस तरह से आप मुख्यमंत्री का क्रम भी देख लीजिएगा। प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एन पी नवानी, एस सी एस टी ओ बी सी आयोग के प्रथम अध्यक्ष गिरीशलाल टमटा, प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत, प्रथम गांधी कम्युनिटी वार्ड स्वामी राम को मिला, प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार प्राप्तकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, दून विश्वविद्यालय प्रथम उपकुलपति डॉक्टर गजेंद्र सिंह, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आर पी टोलिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब याद कैसे हो? ये याद होने का तरीका एक ही है, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार सुनिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। इसको आप रिवाइज करते, रिवीजन आपको याद कराएगा। रिवीजन दो तरह से हो सकता है, एक तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप किताब में पढ़िए, और एक तो अपनी कॉपी में पढ़िए, और दूसरा वीडियो सुनिए। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वीडियो आप सुनते रहिए। उससे क्या है, आपके दिमाग में ये बात बैठेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। फिर हम अगली वीडियो मिलते हैं। आप लोग उनसे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन हमने ये नोट्स जो बहुत ही विश्वसनीय है, और इसमें कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन का भी ख्याल रखिएगा। बिना डिस्कस किए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। टू रिमेंबर यू हैव टू डिस्कस मोर एंड मोर, तो इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबकी वीडियो है, आईएएस पीसीएस के लिए, उन सब का डेली एक एक वीडियो लिखिए क्रम से, सिस्टमेटिक, और उसको याद कीजिए। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल के द्वारा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। थैंक यू।